हे मॉमीज, आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ एम्बर, मेरी डॉटर जो कि 3 साल की है, उसके मॉर्निंग से डिनर तक का रूटीन। तो वो बहुत ही एक्टिव है, सारा दिन भागती रहती है। तो सबसे पहले उसके दिन की शुरुआत होती है थोड़े से आलमंड के साथ में, 2 से 3 आलमंड वो खाती है, जो कि मैं रात को सो कर के मॉर्निंग के लिए जो भी प्रिपेयर करना होता है मैं एक रात पहले प्लान करती हूँ। तो जैसे कि फॉक्स टेल मिलेट, मुझे पॉरेज बनाना है, तो मैंने रात को सोख करके रख लिया था, तो ये मैंने अमेज़ोन से लिया है। और सोख करके आप चाहे आधा घंटा रख सकते हो, बट फॉर मैक्सिमम बेनिफिट्स मैं ओवरनाइट सोख करके रखती हूँ। तो जस्ट जैसे आप दलिया बनाते हो या आप ओट्स बनाते हो, वैसे ही ये बनता है। तो दूध में मैं थोड़ा सा ओवरनाइट सोक्ड फॉक्स टेल मिलेट्स और थोड़ा सा ओट्स ऐड कर रही हूँ, थोड़े से क्रीमीनेस के लिए। तो अच्छा पॉरेज बन जाता है। फॉक्स टेल मिलेट बहुत ही अच्छा मिलेट है, सुपर फूड है ये, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो थोड़ा सा सिनेमन पाउडर ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी ब्राउन शुगर, दैट इज़ ऑप्शनल। आप डेट्स पाउडर वगैरह यूज़ कर सकते हो, हनी ऐड कर सकते हो अगर बच्चा छोटा है तो। आप कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक होनी चाहिए जब तक पक जाए। और उसमें मैं ऐड करने वाली हूँ मैश्ड बनाना, थोड़ी सी फिग अंजीर और कैश्यू काजू। तो सबको मैंने थोड़ा थोड़ा ग्रेट कर लिया है ताकि मिक्स हो जाए और थोड़ा स्मूद हो जाए ये पॉरेज। तो ये उसका ब्रेकफास्ट है, तो स्वीट है ये। और साथ में मैं उसको दे रही हूँ एग वाइट। नाउ जब वो ऑमलेट खाती है तो वो पूरा एग खाती है, बट जब वो बॉयल्ड एग खाती है तो उसको जस्ट वाइट एग ही पसंद है, एग वाइट पसंद है। सो ये उसका ब्रेकफास्ट है आज का। तो एम्बा का ब्रेकफास्ट काफ़ी अर्ली हो जाता है, अराउंड 8 o'clock वो कर लेती है, और अराउंड 10:30 उसको मैं फ्रूट्स देती हूँ। तो जो भी अवेलेबल होते हैं सीजनल फ्रूट्स, आज उसको मैं पाइन एप्पल दे रही हूँ, वाटरमेलन, थोड़े से अनार और ग्रेप्स। अनार उसके सबसे फेवरेट है, अभी रिसेंटली उसको पाइन एप्पल पसंद आना स्टार्ट हुआ है। तो वाटरमेलन शी इज़ यू नो मूडी, जब उसका मन करे तो खाती है। तो मैं उसको सारे देती हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा वो सब खाए। तो लंच में मैं उसके लिए बना रही हूँ मिलेट दलिया, जिसके लिए लापसी दलिया लिया है, थोड़ा सा ज्वार लिया है दलिया, और थोड़ा सा बाजरा दलिया लिया है, और मूंग दाल, ग्रीन मूंग दाल मैं ऐड करूँगी। और ये सारा कुछ जो है वो आपको इजीली आजकल मिल जाता है हर जगह पे। और इनको मैं सो करके रख देती हूँ मॉर्निंग में ही, आई मीन 4-5 घंटे अच्छी तरह सोक्ड हों, या ओवरनाइट आप कर सकते हो। तो ग्रीन मूंग दाल मैंने इसमें यूज़ कर रही हूँ, और समटाइम मैं राइस ऐड कर लेती हूँ। और पालक खिचड़ी है, पालक दलिया बना रही हूँ, तो पालक ली है मैंने, और ये काफ़ी वॉश करके सोख हो चुकी है, पूरे मिलेट्स जो मैंने सोख करे थे। और उसको तड़का दूंगी जस्ट नॉर्मल किसी भी ऑयल के साथ, जीरा ऐड करती हूँ, अनियन, टमाटो और पालक ऐड करके, सारी जो भी मिलेट्स मैंने सोख करे थे मूंग दाल के साथ में, वो ऐड करके 3-4 गुना पानी आप ऐड कर सकते हो जितना आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, और 3-4 विसल के बाद बंद कर दें। तो मुझे थोड़ा सा रनी चाहिए होता है, और हम सब वही यही खाने वाले हैं, और जो हम सब खाते हैं वही अम्बा खाती है। और यहाँ पे जो मैं टर्मेरिक ऐड कर रही हूँ वो घर की बनी हुई है, आई प्रेफर कि हल्दी वो हमेशा घर की होनी चाहिए। तो दिस इज़ सुपर फूड खिचड़ी, क्योंकि जो सारी चीज़ें वो सुपर फूड हैं, मिलेट से लेके ग्रीन वेजिटेबल जो कि स्पिनच मैंने ऐड करी है। तो ये दलिया खिचड़ी मैं सर्व कर रही हूँ विथ लोट्स ऑफ घी एंड हर फेवरेट कुकुम्बर, उसको बहुत ही पसंद है दही, दोनों चीज़ें उसको इतनी पसंद है कि वो सारा दिन दही खा सकती है। सो दिस इज़ अ फेवरेट टाइम ऑफ द डे जब वो दही खाती है। तो लंच उसका होता है अराउंड 12:30, और अराउंड 1/2 आवर उसके बाद मैं उसको छाछ, बटर मिल्क जो भी होता है वो देती हूँ उसको, ये बहुत ही पसंद है। दही, लस्सी, छाछ, मिल्क प्रोडक्ट्स उसको बहुत ही पसंद है, पनीर बहुत पसंद है। और देन इवनिंग में अराउंड 4:30 उसको आज मैं दे रही हूँ मैंगो शेक, न्यू सीज़न में आया अभी, थोड़ी सी ब्लूबेरीज और क्रैनबेरीज ऐड कर रही हूँ, ड्राइड वाली हैं ये, और एक ग्रीन इलायची ऐड कर रही हूँ।
तो दूध जस्ट नॉर्मल काउ मिल्क मैंने लिया है और ब्लेंड कर देना है। और उसको मैंगो शेक बहुत पसंद है तो पिया है, तो एक दो बार उसने पिया है तो उसको काफ़ी अच्छा लग रहा है फिर से। तो दिस इज़ हर स्नैक्स, इवनिंग स्नैक्स जो कि चेंज होता रहता है डेली। तो वो शाम को जैसे पार्क जाती है, काफ़ी टायर्ड हो जाती है, वापस आकर भी उसको कभी ना कभी क्रैनबेरीज या ब्लूबेरीज या कुछ थोड़ा बहुत बहुत छोटे छोटे स्नैक्स खाती रहती है। देन डिनर की प्रेपरेशन में मैं आज बना रही हूँ उसके लिए, दाल में कर रही हूँ लौकी ऐड, गाजर, थोड़ी सी बीन्स और भिंडी, तो ये ना सांभर जैसे बनाते वैसे ही कर रही हूँ। मूंग दाल येलो, क्योंकि ग्रीन उसने मॉर्निंग खा ली थी तो इसीलिए। समटाइम्स दोपहर को ये बनाती हूँ दाल वगैरह और रोटी, और कभी कभी वो रात को हो जाती है। तो मूंग दाल को तड़का दे रही हूँ मैं और साथ में उसके बना रही हूँ पनीर रोटी। तो यूजुअली मैं ट्राई करती हूँ कि पनीर रोटी वगैरह दिन में दूँ, दोपहर को दूँ, बट आज मैं उसको रात में दे रही हूँ। तो दाल ये रेडी है, जो हम लोग खा रहे हैं वही दाल वो खाएगी। और थोड़ा बहुत स्पाइसी अब मैंने ऐड करती रहती हूँ, थोड़े थोड़े बढ़ा रही हूँ ताकि उसको आदत पड़े। तो पनीर रोटी उसके लिए और साथ में ये दाल, ऑल्सो थोड़ा सा सूप आज वो पिएगी, चिकन सूप मैंने बनाया था तो उसको सूप बहुत ही पसंद है। वो हालांकि नॉन वेज वगैरह बाकी चीज़ें नहीं खाती है बट सूप पी लेती है। तो ये दाल परांठा और पनीर रोटी और चिकन सूप उसका डिनर है आज। सो दिस इज़ माई टॉडलर्स मॉर्निंग टू डिनर टाइम चार्ट जो वो सारा दिन खाती है। और बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं, स्टे ट्यून्ड कि वो क्या क्या खाती है, क्या क्या हेल्थ या बच्चे के लिए दे सकते हो, क्या क्या स्नैक्स दे सकते हो। सो आई एम श्योर कि वीडियो हेल्पफुल होगी। वेल कम बैक विद अनदर वीडियो सून। टिल स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्यूटिफुल। बाय।